हेलो दोस्तों, हिंदी ऑडियो बुक नॉलेज में आपका स्वागत है। और मन की शक्ति साइको साइबरनेटिक के 12वें अध्याय में, अगर इससे पहले के 11 अध्याय आपने नहीं सुने तो वो भी सुन लें, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर सामने जो बुक का नेम शो हो रहा है, सामने जो बुक की फ़ोटो दिखाई दे रही है वहाँ पर क्लिक कीजिए। आपको राइट साइड में ऊपर आई का बटन दिखेगा, उस आई बटन पे आप प्रेस करेंगे तो आपको पहले के पार्ट के लिंक मिल जाएंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। ये बिल्कुल फ्री होता है, इसका कोई भी पैसा नहीं लगता। इससे होगा यह कि मैं जब भी कोई नई ऑडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अध्याय 12वां। स्वयं आजमाकर देखने वाले ऐसे तनाव नाशक जो मानसिक शांति लाते हैं। चिंता रक्त संचार, हृदय ग्रंथियों, पूरे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है और गहराई से स्वास्थ्य पर असर डालती है। तनाव नाशक दवाएं इन दिनों बहुत लोकप्रिय हो गई हैं क्योंकि इनसे मानसिक शांति मिलती है। वे छत्री प्रभाव के जरिए तनाव के लक्षणों को कम या खत्म करती हैं। जिस तरह छत्री बारिश से हमारी रक्षा करती है, उसी तरह बहुत सारी तनाव नाशक दवाएं हमारे और विचलित करने वाली उत्तेजना के बीच एक मानसिक पर्दा खड़ा कर देती हैं। तनाव नाशक दवाएं इसलिए कार्य करती हैं क्योंकि वे विचलित करने वाली बाहरी उत्तेजना पर हमारी प्रतिक्रिया को काफ़ी हद तक कम या खत्म कर देती हैं। लेकिन तनाव नाशक दवाएं परिवेश को नहीं बदलती हैं। विचलित करने वाली उत्तेजनाएं इसके बावजूद जहां तक कि तहां रहती हैं। विचलित करने वाली उत्तेजनाएं इसके बावजूद जहां की तहां रहती हैं। हम उन्हें अब भी बौद्धिक रूप से पहचानते तो हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से उन पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। खुशी पर अध्याय 7 में हमने कहा था कि हमारी भावनाएं बाहरी परिस्थितियों पर नहीं बल्कि हमारे अपने नजरियों और प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करती हैं। तनाव नाशक दवाएं इस तथ्य का विश्वसनीय प्रमाण प्रदान करती हैं। वास्तव में नकारात्मक फीडबैक पर हमारी अति प्रतिक्रिया को कम या खत्म कर देती हैं। मैं यह भी जोड़ सकता हूं कि आज का चिकित्सा समुदाय हर मनोवैज्ञानिक रोग के लिए दवाएं सुझाने में बहुत त्वरित और उदार नजर आता है। बच्चों के अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर से लेकर वयस्क लोगों की चिंता तक इंटरनेट के माध्यम से MD निदान और दवा के नुस्खे लिखने लगे हैं, और यह नया कारोबार सबसे अधिक विचलित करने वाला है। गंभीर तनाव या बाध्यकारी व्यवहार के शिकार लोगों पर मिडवेस्ट एंग्जायटी सेंटर की डॉक्टर लुसिंडा बेस्ट ने कुछ उल्लेखनीय कार्य किया है जो साइको साइबरनेटिक्स के सिद्धांतों के पूर्ण सामंजस्य में है। मैं उनकी सेल्फ हेल्प सामग्री और सेवाओं की अनुशंसा करता हूँ। शुरुआत में आप उनकी पुस्तक फ्रॉम पैनिक टू पावर पढ़ सकते हैं। लेखिका बचपन से ही गंभीर तनाव की विकृतियों का शिकार रही थी। 1981 में वे पूरी तरह एगोराफोबिक या सार्वजनिक स्थानों से डरने वाली हो गईं। उन्होंने ढांचे के रूप में अपनी खुद की उपचार प्रक्रिया का इस्तेमाल किया और इसे हजारों केस हिस्ट्रीज के साथ जोड़कर एक कार्यक्रम तैयार किया। यह कार्यक्रम उनकी पुस्तक में बताया गया है जो सच्चे व्यक्तित्व हासिल करने में गंभीर तनाव के शिकार लोगों की भी मदद करता है।
बहुत सारे लोगों को, जिनमें संभवतः आप भी शामिल हैं, ना तो दवाओं की ना ही अधुनातन चिंता उपचार के कदमों की ज़रूरत है। आपके पास स्वयं आजमा कर देखने की जो साइकोसाइबरनेटिक्स तनावनाशक दवाएं पहले से ही हैं, वे पर्याप्त से अधिक हैं, बशर्ते आप उनका इस्तेमाल करना सीख लें। अति प्रतिक्रिया एक बुरी आदत है जिसका इलाज हो सकता है। आइए मान लेते हैं कि यह पढ़ते समय आप शांति से अपने कमरे में बैठे हैं, या यह सुनते समय आप शांति से अपने कमरे में बैठे हैं, अचानक किसी दूसरे फोन की घंटी बजने लगती है। आदत और अनुभव से यह एक संकेत है जिसका आदेश मानना आपने सीख लिया है। सोचे बिना ही, इस मसले पर चेतन निर्णय लिए बिना ही आप इस प्रतिक्रिया कर देते हैं। आप अपनी आरामदेह कुर्सी से उछल कर उठते हैं और तेजी से फोन की ओर चल देते हैं। बाहरी उत्तेजना का प्रभाव यह पड़ा कि इसने आपको अपनी जगह से हिला दिया, इसने आपकी मानसिकता को बदल दिया और आपकी स्थिति या पूर्व निर्धारित कार्य दिशा बदल दी। आप एक घंटे तक शांति से तनाव रहित अवस्था में बैठकर पढ़ने वाले थे। आप इसके लिए अंदर से सुव्यवस्थित थे। यह सब अचानक बदल गया क्योंकि आपने परिवेश से आई बाहरी उत्तेजना पर प्रतिक्रिया कर दी। मैं जो बात कहना चाहता हूँ वह यह है, आपको फोन उठाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको आज्ञा मानने की कोई जरूरत नहीं है। आप फोन को पूरी तरह नज़रअंदाज करने का विकल्प चुन सकते हैं। आप चुपचाप और तनाव रहित बैठे रहने का चुनाव कर सकते हैं, अपनी खुद की तनाव रहित मूल अवस्था को कायम रख सकते हैं, बशर्ते आप संकेत पर प्रतिक्रिया करने से इनकार कर दें। इस मानसिक तस्वीर को स्पष्टता से अपने दिमाग में रख लें क्योंकि यह बाहरी उत्तेजना की विचलित करने की शक्ति को काफी कम कर सकती है। खुद को शांति से बैठे देखें, फोन को बजने दें, इसके संकेत को नज़रअंदाज कर दें, इसके आदेश से ना हिलें। हालांकि आप इसके बारे में जागरूक हैं, लेकिन अब आपको इससे कोई कष्ट नहीं होता या आप इसके आदेश को नहीं मानते। इसके अलावा अपने दिमाग में यह तथ्य भी स्पष्टता से रख लें कि बाहरी संकेत की दरअसल आप पर कोई शक्ति नहीं है, इसके पास आपको हिलाने की कोई शक्ति नहीं है। अतीत में आपने इसका आदेश माना है, इस पर प्रतिक्रिया की है तो सिर्फ आदत के कारण की है। अगर आप चाहें तो प्रतिक्रिया ना करने की नई आदत डाल सकते हैं। यह भी गौर करें कि प्रतिक्रिया ना करने में आपके कुछ करने, कोई प्रयास करने, प्रतिरोध करने या जूझने की जरूरत नहीं है। इसमें तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें तो आप कुछ करने के तनाव से मुक्त हो जाते हैं, आप सिर्फ तनाव रहित होते हैं, संकेत को अनदेखा करते हैं और आदेश को नज़रअंदाज कर देते हैं। टेलीफोन की घंटी बाहरी उत्तेजना की एक प्रतीकात्मक उपमा है जिसे आप आदतन अपने ऊपर नियंत्रण की बागडोर थमा देते हैं, लेकिन अब आप जानबूझकर उस आदत को बदलने का चुनाव करते हैं। तथाकथित वाहन चालक क्रोध किसी बाहरी उत्तेजना को अपनी भावनात्मक अवस्था का नियंत्रण थमाने से अधिक कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा कार्य करने की वजह से उत्पन्न तनाव,
जैसे एक साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें करने की कोशिश, फैक्स मशीन, सेलफोन, ईमेल मैसेज, आपके ऑफिस के दरवाजे पर मंडरा रहे व्यक्ति आदि को नियंत्रण थमाना है। शांति के लिए खुद को अनुकूलित कैसे करें? जिस तरह आप अपने आप फोन की घंटी का आदेश मानते हैं या उस पर प्रतिक्रिया करते हैं, उसी तरह हम सभी अपने परिवेश की विविध उत्तेजनाओं पर एक निश्चित तरीके से प्रतिक्रिया करने के लिए अनुकूलित या कंडीशन्ड हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिक हलकों में अनुकूलन शब्द लोकप्रिय होने के पीछे पावलोव के मशहूर प्रयोग थे, जिसमें उन्होंने घंटी की आवाज़ पर कुत्ते को लार निकालने के लिए अनुकूलित किया, जिसे वे भोजन देने के ठीक पहले बजाते थे। यह सिलसिला कई बार दोहराया गया। पहले घंटी की आवाज़, कुछ सेकंड बाद भोजन का प्रकट होना। कुत्ते ने घंटी की आवाज़ पर प्रतिक्रिया करना सीख लिया और भोजन की प्रत्याशा में उसकी लार आने लगी। मूलतः यह प्रतिक्रिया समझदारी भरी थी। घंटी इस बात का प्रतीक थी कि भोजन आ रहा था और कुत्ता उसके लिए लार निकालकर तैयार था। बहरहाल, जब प्रक्रिया कई बार दोहराई गई तो घंटी बजने पर कुत्ते की लार निकलती रही, भले ही भोजन तुरंत आ रहा हो या ना आ रहा हो। कुत्ता अब घंटी की आवाज़ सुनकर लार निकालने के लिए अनुकूलित हो चुका था। इसकी प्रतिक्रिया में कोई समझदारी नहीं थी और इसका कोई फायदा नहीं था, लेकिन आदत की वजह से यह उसी तरह प्रतिक्रिया करता रहा। हमारे परिवेश की विविध स्थितियों में बहुत सारी घंटियां या विचलित करने वाली उत्तेजनाएं होती हैं, जिनके प्रति हम अनुकूलित हो चुके हैं और जिन पर हम आदतन प्रतिक्रिया करते रहते हैं। चाहे प्रतिक्रिया में समझदारी नज़र आती हो या ना आती हो, लेकिन मेरे मित्र, आप कोई बुद्धिहीन बेचारे पशु नहीं हैं जिसे जीवन से निरीह बनकर आसानी से धोखा खाकर या नियंत्रित होकर गुजरना होता है। आप सृजनात्मक शक्तियों वाले इंसान हैं, जिसमें तार्किक सोच की शक्ति है और अपने पिछले पैरों पर दृढ़ता से खड़े होने की योग्यता है। आपको यह निर्णय लेना है कि आपको कुत्ते की तरह कार्य करना है या फिर एक इंसान की तरह बनना है। आपको नियंत्रित होना है या आप नियंत्रण करना चाहते हैं। आपको किसी एक को चुनने का निर्णय लेना होगा। इस निर्णय के दूरगामी परिणाम होते हैं। यह इस सवाल का जवाब है। मैं एक असमान करने वाले संसार में सम्मान कैसे पा सकता हूँ? यह इस सवाल का जवाब है कि मैं एक असमान यानी जिस दुनिया में लोग इज्जत नहीं देते, मैं इस दुनिया में इज्जत कैसे पा सकता हूँ, रिस्पेक्ट कैसे पा सकता हूँ? मिसाल के तौर पर, कई लोग अजनबियों से डरना सीख लेते हैं क्योंकि उनके माता पिता ने उन्हें हिदायत दी है कि वे अजनबियों से दूर रहें। किसी अजनबी से टॉफी मत लेना, किसी अजनबी के साथ कार में मत बैठना आदि। अजनबियों से बचने की प्रतिक्रिया छोटे बच्चों के मामले में तो अच्छे उद्देश्य को पूरा करती थी, लेकिन कई लोग आगे चलकर भी तमाम अजनबियों की उपस्थिति में
असहज महसूस करते रहते हैं। भले ही वे जानते हों कि वे शत्रु नहीं मित्र के रूप में आए हैं, अजनबी बस घंटियां हैं और उनके सामने सीखी हुई प्रतिक्रिया है डर, बचना या भागने की इच्छा। जो सेल्स प्रोफेशनल्स अटके हुए हैं और हर संभव बहाने व युक्ति से खोजने के कार्य से कतरा रहे हैं, उन्हें परामर्श देते वक्त मैंने अक्सर उनके सर्वो मैकेनिज्म में इस तरह की प्रोग्रामिंग की छाप देखी है। जो स्त्री पुरुष नए मित्र बनाने में असमर्थ हैं या विपरीत लिंग के सदस्यों से मिलने तथा संबंध शुरू करने में कामयाब नहीं होते हैं, उनमें भी मैं अक्सर इसी तरह की प्रोग्रामिंग देखता हूँ। एक और व्यक्ति भीड़, बंद जगहों, खुली जगहों, बॉस जैसे सत्ताधारी व्यक्तियों पर डर व तनाव की भावनाओं से प्रतिक्रिया कर सकता है। हर मामले में भीड़, बंद जगह, खुली जगह, बॉस या जो भी हो, एक घंटी की तरह कार्य करता है जो कहती है खतरा मौजूद है, दूर भागो, डर महसूस करो। और आदत की वजह से हम उसी जाने पहचाने पुराने तरीके से प्रतिक्रिया करते रहते हैं। हम घंटी के आदेश को मानते हैं। अब समय आ चुका है कि आप इन सारी घंटियों के तार निकाल दें। आदतन प्रतिक्रियाओं को कैसे खत्म करें? अगर हम प्रतिक्रिया करने के बजाय तनाव रहित होने की आदत डाल लें तो हम आदतन प्रतिक्रिया को खत्म कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो फोन के मामले की ही तरह घंटी को नज़रअंदाज करना सीख सकते हैं, शांति से बैठे रह सकते हैं और घंटी को बजने दे सकते हैं। हम अपने साथ जो प्रमुख विचार रख सकते हैं वह यह है कि किसी विचलित करने वाली उत्तेजना से सामना होने पर हम खुद से कहें, फोन की घंटी बज रही है लेकिन मुझे इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है, मैं इसे बजने दे सकता हूँ। यह विचार आपकी मानसिक तस्वीर को उभार देगा जिसमें आप शांति से तनाव रहित बिना कोई प्रतिक्रिया किए बिना कुछ किए बैठे हैं और फोन की घंटी को बजने दे रहे हैं। यह एक संकेत या ट्रिगर की तरह कार्य करेगा और आप में वह नजरिया जगा और आप में वह नजरिया जगा देगा जो आप में तब था जब आप फोन की घंटी बजने दे रहे थे। अगर आप प्रतिक्रिया को नज़रअंदाज नहीं कर सकते तो उसमें विलंब कर दें। कंडीशनिंग या अनुकूलन को खत्म करने की प्रक्रिया में इंसान को शुरुआत में घंटी को पूरी तरह नज़रअंदाज करना मुश्किल लग सकता है, खास तौर पर अगर यह अप्रत्याशित रूप से बजे यानी लगातार बजे। ऐसे मामलों में आप अपनी प्रतिक्रिया में विलंब करके वही अंतिम परिणाम हासिल कर सकते हैं, कंडीशनिंग को खत्म करना। एक महिला जिसे हम मैरी एस कहेंगे भीड़ की मौजूदगी में तनावग्रस्त और असहज हो जाती थी। ऊपर बताई तकनीक का अभ्यास करके वह अधिकतर अवसरों पर विचलित करने वाली उत्तेजना के खिलाफ तनाव रहित रहने में कामयाब रही। हालांकि कभी कभार दूर भागने या पलायन करने की इच्छा बहुत शक्तिशाली हो गई। मैंने उससे पूछा, गॉन विद द विंड में
स्कारलेट ओ हरा याद है? उसका मानना था मैं अभी उस बारे में चिंता नहीं करूंगी, मैं उसकी चिंता कल करूंगी। युद्ध, आगजनी, महामारी और अधूरे प्यार के बावजूद अपनी प्रतिक्रिया में विलंब करके वह अपने आंतरिक संतुलन को कायम रख पाई और अपने परिवेश से अच्छी तरह जूझ पाई। प्रतिक्रिया में विलंब करने से कंडीशनिंग की स्वचालित कार्यविधि टूट जाती है और बाधित होती है। जब आपको क्रोध आए तो 10 तक गिनना, जब आपको क्रोध आए तो 10 तक गिनना भी इसी सिद्धांत पर आधारित है और बहुत अच्छी सलाह है, बशर्ते आप धीरे धीरे गिनें और सचमुच प्रतिक्रिया में विलंब कर सकें। ऐसा नहीं कि इस दौरान आप क्रोध में चिल्लाने या मेज पर मुक्का जमाने का इंतजार कर रहे हों। क्रोध में प्रतिक्रिया चिल्लाने या डेस्क पर मुक्का मारने से अधिक होती है। आपकी मांसपेशियों में तनाव एक प्रतिक्रिया है। अगर आपकी मांसपेशियां पूरी तरह तनाव रहित हों, तो आप क्रोध या डर के भाव को महसूस ही नहीं कर सकते। इसीलिए अगर आप 10 सेकंड तक गुस्सा महसूस करने में विलंब कर सकें, किसी भी तरह की प्रतिक्रिया में विलंब कर सकें, तो आप स्वचालित प्रतिक्रिया को खत्म कर सकते हैं। मैरी एस ने अपनी प्रतिक्रिया में विलंब करके भीड़ के अपने आदतन डर को खत्म कर दिया। जब उसे महसूस हुआ कि उसे बाहर दौड़ लगानी चाहिए, तो वह खुद से कहती थी, ठीक है, लेकिन इसी पल नहीं, मैं कमरे से बाहर निकलने में 2 मिनट का विलंब करूंगी। मैं बस 2 मिनट के लिए आज्ञा मानने से इनकार कर सकती हूँ। तनाव रहित होना एक मानसिक पर्दा डाल देता है या तनाव नाशक दवा बन जाता है। अपने दिमाग में इस तथ्य को स्पष्ट रखना अच्छा है कि आपकी विचलित भावनाएं, आपका क्रोध, शत्रुता, डर, चिंता और सुरक्षा बाहरी चीजों की वजह से नहीं, आपकी अपनी प्रतिक्रियाओं की वजह से होती हैं। प्रतिक्रिया का अर्थ है तनाव, प्रतिक्रिया के अभाव का अर्थ है तनाव रहित रहना। वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं के प्रयोगों में साबित किया जा चुका है कि जब तक आपकी मांसपेशियां पूरी तरह तनाव रहित बनी रहती हैं, तब तक आप क्रोधित, भयभीत, तनाव युक्त और सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते। वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं के प्रयोगों में साबित किया जा चुका है कि जब तक आपकी मांसपेशियां पूरी तरह तनाव रहित बनी रहती हैं, तब तक आप क्रोधित, भयभीत, तनाव युक्त और सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते। सारांश में ये सारी चीजें हमारी खुद की भावनाएं हैं। सारांश में ये सारी चीजें हमारी खुद की भावनाएं हैं। मांसपेशियों में तनाव तब होता है जब हम कोई क्रिया या प्रतिक्रिया करने की तैयारी करते हैं। मांसपेशियों को शिथिल करने से मानसिक तनाव कम होता है और शांत, आरामदेह नजरिया मिलता है। इस तरह शिथिलीकरण प्रकृति की अपनी तनावनाशक दवा है, जो आपके तथा विचलित करने वाली उत्तेजना के बीच एक मानसिक पर्दा या छतरी खड़ी कर देती है। इसी कारण शारीरिक शिथिलीकरण संकोच तोड़ने वाला एक शक्तिशाली उपाय है। पिछले अध्याय में हमने सीखा था कि संकोच अत्यधिक नकारात्मक फीडबैक का परिणाम होता है, या नकारात्मक फीडबैक पर हमारी अपनी अति प्रतिक्रिया होती है।
शिथिलता का अर्थ है कोई प्रतिक्रिया नहीं। इसीलिए शिथिलता के अपने दैनिक अभ्यास में आप निसंकोचता सीख रहे हैं, साथ ही खुद को प्रकृति की स्वयं आजमा कर देखने वाली तनाव नाशक दवा भी प्रदान कर रहे हैं, जिसे आप दैनिक गतिविधियों में अपने साथ ले जा सकते हैं। तनाव रहित नजरिया रखकर विचलित करने वाली उत्तेजना से अपनी रक्षा करें। वक्ता के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत में इस पुस्तक के संपादक आगामी प्रदर्शन के लिए खड़े होने की कई रस्मों से गुजरते थे, जिनमें इधर से उधर चहलकदमी करना शामिल था। हालांकि उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता था, लेकिन उनके शरीर का तनाव काफी बढ़ जाता था। अपने करियर में बाद में वे मंच पर पहुंचने के ठीक पहले अक्सर किसी कुर्सी पर यूं ही पसरे रहते थे या कमरे में पलंग पर लेटे रहते थे, जिससे देखने वाले को लगता था कि उस कार्य में उनकी कोई रुचि नहीं है। हालांकि वे अब भी प्रदर्शन के लिए खुद को तैयार करने की खातिर कुछ मानसिक रस्में करते थे, लेकिन वे शारीरिक दृष्टि से तनाव रहित अंदाज में ऐसा करते थे। आप भी तनावग्रस्त या चिंतित हुए बिना प्रेरित होना, ऊर्जावान बनना, शिखर प्रदर्शन के लिए तैयार होना सीख सकते हैं। प्रदर्शन पूर्व की रस्मों का इस्तेमाल अपने लाभ के लिए करना सीखें। गोल्फ मैगजीन के कई अंकों में अपने लेखों में माइंड ओवर गोल्फ पुस्तक के लेखक डॉक्टर रिचर्ड कुप ने खिलाड़ियों को सलाह दी है कि अगर उन्हें अपने भीतर नकारात्मक विचार उबलते महसूस हों, तो वे शॉट लेने से पहले थोड़ा पीछे हट जाएं और शांत नियंत्रण हासिल करने तथा अपनी एकाग्रता को दोबारा जमाने के लिए किसी शारीरिक रस्म का इस्तेमाल करें, या अपने दस्ताने सही करना या जमीन पर स्टिक थपथपाना हो सकता है। वे अपना शॉट लेने से पहले की एक निश्चित क्रिया पद्धति विकसित करना भी सिखाते हैं, जो आपके स्विंग के बीच में ध्यान भटकाने वाले विचारों को दूर रखने का सबसे अच्छा तरीका है। डॉक्टर कुक लिखते हैं, मुद्दे की बात यह है कि अच्छे खिलाड़ियों की एक नियमित क्रिया पद्धति होती है, जबकि खराब खिलाड़ियों की नहीं होती। साइकोसाइबरनेटिक्स प्रशिक्षण में हमारे यहाँ एक कहावत है, शांत मन शांत शरीर, शांत शरीर शांत मन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप धागे के किस छोर से शुरुआत करते हैं, शारीरिक शिथिलीकरण से या मानसिक शिथिलता से, परिणाम वही मिलता है। चाहे आप जो भी करते हो, उपाय एक शॉट से पहले की निश्चित क्रिया पद्धति बनाना है, जो आपके तनाव को बढ़ाने के बजाय आपको शांत और तनाव रहित करती हो। अपने मन में खुद के लिए एक शांत कमरा बनाएं। लोग अपने लिए एकांत स्थल खोजते हैं, देहात, समुद्र किनारे और पर्वतों पर मकान, और आप भी ऐसी चीजों की बहुत इच्छा करने के आदि हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, लेकिन यह सबसे साधारण किस्म के लोगों की पहचान है, क्योंकि यह आपके बस में है कि जब भी आप चाहें अपने मन के भीतर आराम खोजने का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य अपनी आत्मा में जितनी शांति पा सकता है, उससे अधिक शांति या स्वतंत्रता किसी दूसरी जगह नहीं है, खास तौर पर जब उसके भीतर ऐसे विचार हों
जिन्हें सोचते ही वह तुरंत पूर्ण शांति में आ जाता है। और मेरा दावा है कि शांति मस्तिष्क के अच्छी तरह क्रमबद्ध होने से अधिक कुछ नहीं है। लगातार खुद को इस शांति ग्रह में ले जाएं और अपना नवीनीकरण करें। द्वितीय विश्व युद्ध के आखिरी दिनों में किसी ने राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन से कहा कि वे राष्ट्रपति पद के तनाव और दबाव झेलने में पिछले किसी भी राष्ट्रपति से बेहतर नजर आते हैं, कि कार्य की वजह से वे अधिक बूढ़े नहीं दिखते हैं या उनकी स्फूर्ति कम नहीं हुई है। और यह बात उल्लेखनीय है, खास तौर पर जब युद्धकालीन राष्ट्रपति के रूप में उन्हें अपनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। उनका जवाब था, मेरे दिमाग में गोलाबारी से बचने वाली एक गुफा है। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह कोई सैनिक रक्षा, आराम और स्वास्थ्य लाभ के लिए अपनी गुफा में चला जाता था, उसी तरह वे भी समय समय पर अपनी मानसिक गुफा में चले जाते थे, जहां वे किसी चीज को खुद को परेशान नहीं करने देते थे। मैं आपसे प्रबल आग्रह करता हूं कि आप भी अपने दिमाग में गुफा बनाने के लिए समय का निवेश करें और अपनी कल्पना का उपयोग करें। आपका अपना तनाव हरने वाला कक्ष। कुछ लोग शारीरिक दृष्टि से दूर जाकर यह लाभ हासिल करने की कोशिश करते हैं। मैं न्यूयॉर्क में एक कंपनी के सीईओ को जानता हूं, जिसमें अचानक ऑफिस से गायब होने और ब्रांकस के चिड़ियाघर में जाने की आदत थी। वह अपना सेल फोन पीछे छोड़ जाता है। वह किसी ऐसी जगह नहीं होता है जहां कोई आकर उसे विचलित कर सके। वह भीड़ में खो जाता है, चिड़ियाघर में घूमता है, जानबूझकर ध्यान भंग करता है और सबकी पहुंच से परे हो जाता है। जाहिर है, यह रणनीति उसके लिए अच्छी तरह कार्य करती है, क्योंकि वह कंपनी के पायदानों पर ऊपर चढ़ गया है और अपने स्टॉक व कंपनी के मुनाफे बढ़ने की बदौलत करोड़पति बन गया है। बहरहाल, क्या यह उसे थोड़ा कष्टकारी नहीं लगता कि वह तनाव कम करने के लिए ऑफिस से बाहर निकले और एक टैक्सी पकड़कर शहर के पार वाले चिड़ियाघर में घूमे? अपनी कल्पना के भीतर बने तनाव हरने वाले कक्ष तक पहुंचना ज्यादा छोटी और आसान यात्रा है। जो हैरान माँ दिन भर दो बच्चों से घिरी रहती है, अगर एक बच्चा कुछ समय के लिए शांत है तो दूसरा नहीं है। उसे बस एक संक्षिप्त अवसर की जरूरत होती है, शायद उनके नींद में जाने की। जब वह अपने तनाव हर कक्ष में जा सकती है जो उसने स्वास्थ्य लाभ के लिए अपनी कल्पना में बनाया हुआ है। जो सेल्स पर्सन तनावग्रस्त है, वह दो अपॉइंटमेंट के बीच पार्किंग की जगह पर कार रोक सकता है और अपने तनाव हर कक्ष में फटाफट यात्रा कर सकता है। हम में से प्रत्येक को मन के भीतर एक शांत कमरे की, एक शांत केंद्र की जरूरत है, जो समुद्र की गहराई की तरह कभी विचलित नहीं होता, चाहे सतह की लहरें कितनी ही चंचल क्यों ना हो जाएं। कल्पना में बनी भीतर की शांत जगह एक मानसिक और भावनात्मक तनाव हर कक्ष की तरह कार्य करती है। यह तनाव चिंता, दबावों, मुश्किलों और झंझटों के दबाव को कम करती है। यह आपको तरोताजा कर देती है और आपको रोजमर्रा के कामकाजी संसार से जूझने के लिए तैयार कर देती है। मेरा मानना है कि हर व्यक्तित्व के भीतर पहले से ही एक शांत केंद्र है, जो कभी विचलित नहीं होता या हिलता नहीं है।
किसी पहिए या धुरी के केंद्र के गणितीय बिंदु की तरह जो स्थिर बना रहता है। हमें तो अपने भीतर के इस शांत केंद्र को पाने और समय समय पर आराम, स्वास्थ्य लाभ तथा उत्साह के नवीनीकरण की खातिर इसमें जाने की जरूरत है। मैंने रोगियों को जो एक बहुत लाभकारी नुस्खा दिया है वह यह सलाह है कि वे इस शांत केंद्र में लौटना सीखें। और मैंने इस शांत केंद्र में दाखिल होने का एक बहुत अच्छा तरीका यह पाया है कि आप अपने लिए कल्पना में एक छोटा मानसिक कमरा बना लें। इस कमरे को उन चीजों से सजाएं जिनसे आपको सबसे ज्यादा सुकून और ताजगी मिलती हो। अगर आप पेंटिंग पसंद करते हो तो शायद सुंदर प्राकृतिक दृश्य। अगर आपको कविता पसंद हो तो अपनी प्रिय कविताओं की पुस्तक। दीवारों पर आपके प्रिय सुखद रंग का पेंट होता है, हालांकि नीले हल्के हरे पीले सुनहरे आदि आरामदेह रंगों में से ही किसी रंग को चुना जाना चाहिए। कमरा सादगी पूर्ण ढंग से सजा होता है, इसमें कोई भटकाने वाले तत्व नहीं होते। यह बहुत साफ सुथरा होता है और हर चीज व्यवस्थित होती है। सादगी, शांति, सुंदरता मुख्य चीजें होती हैं। इसमें आपकी प्रिय आराम कुर्सी रखी होती है। एक छोटी खिड़की से बाहर झांककर आप सुंदर समुद्र तट देख सकते हैं। लहरें तट से लौट जाती हैं, लेकिन आप उनकी आवाज नहीं सुन सकते क्योंकि आपका कमरा बहुत बहुत शांत है। अपनी कल्पना में इस कमरे को बनाने में उतनी ही सावधानी बरतें जितनी कि आप किसी असली कमरे को बनाने में बरतते हैं। हर विवरण से पूरी तरह परिचित रहें। इस विचार को मन में ना आने दें कि यह कोई बचकानी जगह है और इस जगह से आप इसे गंभीरता से नहीं कर सकते। इस तकनीक की शक्ति सावधान और पूर्ण निर्माण में इसके स्पष्ट विवरणों में और स्पष्ट विचार के बजाय आशय की जगह के रूप में इसकी वास्तविकता में निहित है। हर दिन एक अवकाश पर जाएं। जब भी आपके पास दिन में अपॉइंटमेंट्स के बीच थोड़ी खाली पल हो, शायद बस की सवारी करते समय, तो अपने शांत कमरे में आराम करने चले जाएं। जब भी आपको तनाव बढ़ता दिखे या जल्दबाजी महसूस हो या आप परेशान हो, तो कुछ पलों के लिए अपने शांत कमरे में आराम करने चले जाएं। इस तरह एक बहुत व्यस्त दिन से कुछ मिनट निकालने से ही आपको बहुत लाभ होगा। यह समय की बर्बादी नहीं है, बल्कि समय का निवेश है। खुद से कहें, मैं अपने शांत कमरे में थोड़ा आराम करने जा रहा हूं। फिर कल्पना में खुद को सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे तक जाते देखें। खुद से कहें, मैं अब सीढ़ियां चढ़ रहा हूं, अब मैं दरवाजा खोल रहा हूं, अब मैं भीतर पहुंच गया हूं। कल्पना में पूर्ण शांति और आरामदेह विवरणों पर गौर करें। खुद को अपनी प्रिय कुर्सी पर बैठते देखें। पूरी तरह आरामदेह और संसार के साथ शांति में आपका कमरा सुरक्षित है। यहाँ कोई चीज आपको छू भी नहीं सकती। चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपने अपनी चिंताएं सीढ़ियों के नीचे छोड़ दी हैं। यहाँ कोई निर्णय नहीं लिए जाने हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई झंझट नहीं। आपको थोड़े पलायनवाद की जरूरत होती है। हाँ, यह पलायनवाद है। नींद भी तो पलायनवाद है, बारिश में छाता ले जाना भी तो पलायनवाद है,
एक वास्तविक घर बनाना जहां आप मौसम और बाकी चीज़ों से सुरक्षित रह सकें, वह भी तो पलायनवाद है और छुट्टियां मनाना भी पलायनवाद है। हमारे तंत्रिका तंत्र को कुछ मात्रा में पलायनवाद की ज़रूरत होती है। इसे बाहरी उत्तेजनाओं की लगातार बमबारी से थोड़ी स्वतंत्रता और रक्षा की जरूरत होती है। आपकी आत्मा और आपके तंत्रिका तंत्र को आराम, स्वास्थ्य, लाभ व रक्षा के लिए एक कमरे की उतनी ही जरूरत होती है जितनी कि आपके शरीर को एक भौतिक मकान की होती है, और उन्हीं कारणों से होती है। आपका मानसिक शांति कक्ष आपके तंत्रिका तंत्र को हर दिन एक छोटा अवकाश देता है। उस वक्त आप मानसिक रूप से कर्तव्यों, जिम्मेदारियों, निर्णयों, दबावों के अपने रोजमर्रा के संसार को खाली कर देते हैं और अपने शून्य दबाव के कक्ष में मानसिक रूप से इस सबसे दूर चले जाते हैं। तस्वीरें आपके स्वचालित मैकेनिज्म के लिए शब्दों से अधिक प्रभावशाली होती हैं, खास तौर पर तब जब तस्वीर का कोई प्रबल प्रतीकात्मक अर्थ हो। एक मानसिक तस्वीर को मैंने बहुत प्रभावी पाया है और वह यह है। येलोस्टोन नेशनल पार्क की यात्रा करते समय मैं शांति से गर्म जल स्रोत गीजर ओल्ड फेथफुल के फटने का इंतजार कर रहा था, जो लगभग हर घंटे बाद फटता था। अचानक गीजर बहुत सारी भाप के साथ फटा, जैसे कि विशाल बॉयलर जिसका सुरक्षा प्लग फट गया हो। मेरे करीब खड़े एक छोटे लड़के ने अपने पिता से पूछा, यह ऐसा क्यों करता है? पिता ने जवाब दिया, देखो, मुझे लगता है कि धरती माँ भी हम लोगों जैसी ही होती हैं। उनके भीतर निश्चित मात्रा में दबाव बन जाता है और बीच बीच में स्वस्थ रहने के लिए उन्हें भाप को बाहर निकालना होता है। मैंने सोचा, क्या यह अद्भुत नहीं रहेगा कि जब भावनात्मक दबाव हमारे भीतर बढ़ रहा हो तो हम इंसान भी हानि रहित तरीके से इसी तरह भाप को निकाल सकें। मेरे सिर के ऊपरी हिस्से में गीजर या भाप का वाल्व तो नहीं था, लेकिन मेरे पास कल्पना थी। इसीलिए जब मैं अपने मानसिक शांति कक्ष में आराम करने जाता था तो मैं इस मानसिक तस्वीर का इस्तेमाल करने लगा। मैं ओल्ड फेथफुल को याद करता था और एक मानसिक तस्वीर देखता था कि भावनात्मक भाप और दबाव मेरे सिर के ऊपरी हिस्से से बाहर निकल रहा है तथा हानि रहित तरीके से उड़ रहा है। जब आप तनावग्रस्त या परेशान हो तो इस मानसिक तस्वीर को खुद आजमा कर देखें। आपकी मानसिक मशीनरी में भाप बाहर निकालने और क्रोध के मारे आग बबूला होने के विचारों के शक्तिशाली संबंध जुड़े होते हैं। संयोग से कई मनोवैज्ञानिक और प्रदर्शन कोच अब सेहत के संदर्भ में इन्हीं विचारों और तकनीकों के बारे में बात करते हैं। नए साइको साइबरनेटिक्स ऑडियो प्रोग्राम में आप इस चर्चा को जारी पाएंगे। किसी नई समस्या को लेने से पहले अपना मैकेनिज्म साफ कर लें। यदि आप गणना करने वाली मशीन या कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको किसी नई समस्या को लेने से पहले मशीन की पुरानी समस्याओं को साफ करना होगा, वरना पुरानी समस्या या पुरानी स्थिति के हिस्से नई में भी आ जाएंगे और आपको गलत जवाब मिलेगा। अपने दिमाग के शांत कक्ष में कुछ मिनट तक आराम करने का अभ्यास आपके सफलता मैकेनिज्म की सचमुच सफाई
कर सकता है। इस वजह से कार्यों, स्थितियों या परिवेशों के बीच इसका अभ्यास करना बहुत मददगार होता है, जिनमें भिन्न भिन्न मनोदशाओं, मानसिक संतुलनों या मानसिक नजरियों की जरूरत होती है। पुराने अवशेषों या अपनी मानसिक मशीनरी की सफाई करने में असफलता का एक आम उदाहरण यह है। एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव रोजमर्रा की कामकाजी चिंताओं और कामकाजी मनोदशा को अपने साथ घर लेकर जाता है। दिन भर वह परेशान, हड़बड़ी में आक्रामक और फटने को तैयार रहा था। शायद उसे थोड़ी कुंठा महसूस होती है, जिससे उसमें चिड़चिड़ाने की प्रवृत्ति है। जब वह घर पहुंचता है तो वह शारीरिक रूप से कार्य करना छोड़ देता है, लेकिन वह अपने साथ अपनी आक्रामकता, कुंठा, जल्दबाजी और चिंता के अवशेष ले जाता है। वह अब भी फटने को तैयार है और चैन से नहीं रह सकता। वह अपनी पत्नी और परिवार वालों पर चिड़चिड़ाता है। वह ऑफिस की समस्याओं के बारे में सोचता रहता है, हालांकि वह उनके बारे में कुछ कर नहीं सकता। अनिंद्रा, बदतमीजी अक्सर भावनात्मक अतिशेष होते हैं। कई लोग अपनी मुश्किलों को अपने साथ बिस्तर पर ले जाते हैं, जबकि उस वक्त उन्हें आराम करना चाहिए। मानसिक और भावनात्मक रूप से वे अब भी किसी स्थिति के बारे में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उस वक्त करना सही नहीं है। दिन भर के दौरान हमें कई भिन्न प्रकार के भावनात्मक और मानसिक अवस्थाओं की जरूरत होती है। आपको अपने बॉस और अपने ग्राहक से बातचीत करने के लिए भिन्न मनोदशा और मानसिक अवस्था की जरूरत होती है, और अगर आपने अभी अभी किसी गुस्सेल और चिड़चिड़े ग्राहक से बातचीत की है, तो आपको दूसरे ग्राहक से बातचीत करने से पहले अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत होगी, वरना एक स्थिति का भावनात्मक अतिरेक दूसरी स्थिति से निपटने में बाधा उत्पन्न करेगा। भावनात्मक अतिशेष से दुर्घटनाएं होती हैं। दुर्घटनाओं के कारण पर शोध करने वाली बीमा कंपनियों और अन्य संस्थाओं ने यह पाया है कि भावनात्मक अतिशेष या अतिरेक बहुत सी कार दुर्घटनाओं के लिए उत्तरदायी होता है। अगर ड्राइवर की अभी अभी अपने जीवन साथी या बॉस से कहा सुनी हुई हो, अगर उसे अभी अभी कुंठा का अनुभव हुआ हो, या अगर वह अभी अभी किसी ऐसी स्थिति से लौट रहा हो जिसमें आक्रामक व्यवहार की आवश्यकता थी, तो उसके दुर्घटना करने की अधिक आशंका रहती है। वह अनुचित नजरियों और भावनाओं को अब भी कार चलाते समय साथ लिए घूम रहा है। वह दूसरे ड्राइवरों पर सचमुच नाराज नहीं है, वह तो उस व्यक्ति जैसा है जो सुबह एक सपने से जागता है जिसमें वह बहुत गुस्सा अनुभव करता है। वह यह बात जानता है कि उस पर जो अन्याय हुआ था वह सपने में हुआ था, लेकिन वह अब भी नाराज है। बस डर भी इसी तरह से आगे बढ़ सकता है। पिछली भावनाओं के अतिशेष एकाग्रता में बाधक होते हैं। लोकप्रिय टेलीविजन जासूस लेफ्टिनेंट कोलंबो, जिसके किरदार को अभिनेता पीटर फॉक ने बहुत अच्छी तरह निभाया है, ने एक बार कहा था, कई बार मेरे विचारों की वजह से यहाँ ऊपर एक ट्रैफिक जाम सा लग जाता है,
सभी क्षेत्रों में सफल प्रदर्शन करने वाले जानते हैं कि जब उनके दिमाग में ट्रैफिक जाम लगा होता है तो वे अच्छी तरह कार्य नहीं कर सकते। वास्तव में शिखर प्रदर्शक वस्तुतः फोकस और एकाग्रता की वेदी पर पूजा करते हैं। इसे हासिल करने के लिए एक अथक श्रम करते हैं और इसके पीछे एक बहुत अच्छा कारण होता है। एकाग्रता किसी भी प्रयास में मिनट दर मिनट सफलता की प्रमुख कुंजी है। ध्यान दें, एकाग्रता किसी भी प्रयास में मिनट दर मिनट सफलता की प्रमुख कुंजी है। जॉन लायंस घोड़ों और घुड़सवारों के विश्व के सबसे मशहूर प्रशिक्षकों में से एक हैं तथा द परफेक्ट हॉर्स न्यूज़लेटर के संपादक भी हैं। वे कहते हैं, घोड़ों को प्रशिक्षित करने के बारे में सबसे मुश्किल यह जानना नहीं है कि क्या करना है, इसे करने की पर्याप्त शक्ति या साहस होना भी मुश्किल नहीं है, मुश्किल तो एकाग्र बने रहना है। यही कथन गोल्फ या कुछ बेचने या अभिभावक बनने या हर चीज के बारे में कहा जा सकता है। सबसे मुश्किल चीजें यांत्रिकी नहीं हैं, बल्कि एकाग्र बने रहना है। लायंस आगे कहते हैं, अगर मैं एक समय में एक ही चीज पर केंद्रित नहीं रहता हूँ तो मैं अपने घोड़े की मदद नहीं कर सकता। अगर आप एक समय में एक ही चीज पर केंद्रित नहीं रह सकते तो आप अपनी या अपनी टीम की मदद नहीं कर सकते और सफल नहीं हो सकते। तत्काल भटकाव दूर करने वाला इरेजर बनाएं और उसका आवश्यकता अनुसार अधिकाधिक इस्तेमाल करें। मैंने कई वर्षों से यह मानसिक चित्रण सिखाया था जिसे मैंने कैलकुलेटर साफ करना कहा था। इसमें बुनियादी तौर पर यह था कि आप कैलकुलेटर की छोटी स्क्रीन पर किसी गणितीय समस्या पर कार्य करने से पहले पुरानी समस्या को या तो साफ कर देते हैं या फिर बाद के कार्य के लिए स्टोर कर लेते हैं। क्लियर बटन दबाने से समस्या पहली पूरी तरह आपके पर्दे से चली जाती है। आपको समस्या दो को सुलझाने की कोशिश करने से पहले ऐसा करने की जरूरत होती है। कई लोग अन्य उदाहरण और मानसिक चित्र बनाते हैं जो उनके लिए अधिक उपयोगी होते हैं। मुझे कई पत्र मिले हैं जिनमें लोग बताते हैं कि उन्होंने इरेजर का ब्लैकबोर्ड साफ करने के लिए किसी डस्टर का स्पंज से खिड़की साफ करने या शावर में जाकर अच्छी तरह घिस घिस कर सफाई करने का मानसिक चित्र देखा था। आप इस मानसिक तस्वीर को याद कर सकते हैं और कुछ ही पलों में इरेजर के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। कहा गया है कि ओलंपिक चैंपियन हाई डाइवर ग्रेग लुगेनिस ने शारीरिक रूप से गोता लगाने से ठीक पहले हर डाइव की 40 बार मानसिक रिहर्सल करते थे। कहा गया है कि ओलंपिक चैंपियन हाई डाइवर ग्रेग लुगेनिस ने शारीरिक रूप से गोता लगाने से ठीक पहले हर डाइव की 40 बार मानसिक रिहर्सल करते थे। वास्तव में वे जो कर रहे थे वह यह था। पहला, कैलकुलेटर को साफ करने के लिए रुकना। दूसरा, सारे अवरोधों को दरकिनार करना। लगातार एक छोटी सी मानसिक फिल्म चलाना, एक से लेके 40 बार, ताकि उनके पर्दे पर उस सफल मानसिक तस्वीर के सिवा कुछ भी ना बचे। तीसरा, उनके सर्वो मैकेनिज्म को 41वीं डाइव
को वास्तविक अनुभव के रूप में प्रदान कर देना। अधिकतर लोग इस सरल लेकिन गहन रूप से प्रभावी नीति को कभी नहीं अपनाते। इसके बजाय वे एक चुनौतीपूर्ण गतिविधि में दाखिल हो जाते हैं, जैसे ऑफिस की किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में, जब उनके विचारों में ट्रैफिक जाम, हॉर्न बजाते रहते हैं, लोग चिल्लाते रहते हैं, ये सब लगा रहता है। वे एकाग्रता के बिना कार्य करने की कोशिश करते हैं। जब विचारों और भावनाओं के सूप का पूरा पतीला उबल रहा होता है, इस या उस बारे में चिंता, जीवन साथी या मित्र के साथ अप्रिय बातचीत, उन चीजों की याद जिन्हें एक दो घंटे में ठीक करना है, तो वे अपने सर्वो मैकेनिज्म को करने के लिए 50 अलग अलग चीजें दे देते हैं, जिससे उनकी शक्ति बिखर जाती है। लुगेनिस जैसे खिलाड़ी को ना सिर्फ उबलते सूप पर कसकर ढक्कन लगाना होता है, बल्कि अगले बर्नर पर रखे एक और बर्तन पर भी, जहां शायद किसी अंग की अकड़न या दर्द, किसी मांसपेशी के तनाव, फॉर्म की चिंता जैसे विचार भी उबलने का जोखिम पैदा करते हैं। इस सब की जगह पर एक ही जगह ध्यान केंद्रित रखा जाता है, जिससे तनाव रहित प्रदर्शन की अनुमति मिलती है। आपको भी इस बात की जरूरत है कि आप बर्तनों पर ढक्कन कसकर लगा दें, आंच धीमी कर दें और सफलतापूर्वक उन्हें नज़रअंदाज करें, ताकि आप एक समय में एक ही स्पष्ट सफल मानसिक तस्वीर पर एकाग्र हो सकें। नुस्खा: कैलकुलेटर साफ करो कि अपनी खुद की कोई रसम बनाएं जो आदेश देते ही भटकाओं को तुरंत मिटा दे। फिर इसके इस्तेमाल का अभ्यास करें। अभ्यास के साथ यह अधिकाधिक प्रभावी बनता जाएगा, जिससे आप ज्यादा तेजी से अंततः एक ही पल में वांछित स्पष्ट मानसिकता प्राप्त कर सकते हैं। फिर हर स्थिति के लिए आप तुरंत मिटाने की प्रक्रिया करते हैं और उसके ठीक बाद एक उचित छोटी मानसिक फिल्म या उस फिल्म के एक दो दृश्य देखते हैं, जिससे सर्वो मैकेनिज्म को वह मानसिक तस्वीर मिल जाती है जिस पर यह उस पल अपनी सारी शक्तियों को केंद्रित करे। तनाव दूर करने प्रदर्शन को आमंत्रित करें। तनाव दूर करें प्रदर्शन को आमंत्रित करें। एक बार मैं एक टेलीविजन टॉक शो पर मंच के पीछे प्रोग्राम के मेजबान से बातचीत कर रहा था। शो के डायरेक्टर ने ग्रीन रूम के दरवाजे में अपना सिर डालकर कहा, एक मिनट, माफ करें डॉक्टर माल्टज, मेजबान ने कहा। उन्होंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, अपनी उंगलियों को जोर से एक बार चटकाया, कुछ पल के लिए स्थिर तथा खामोश खड़े रहे, अपनी उंगलियां दोबारा चटकाई और कुछ पलों के लिए दोबारा खामोश खड़े रहे। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, आइए अब शो बिजनेस का जादू करते हैं। वे गलियारे में विश्वास के साथ गए, पर्दे से निकले और दर्शकों तथा कैमरे के सामने मंच पर पहुंच गए। जब कार्यक्रम टेप हो गया तो मैंने उनसे पूछा कि जो मैंने देखा उसका क्या मतलब था। उन्होंने स्पष्ट किया, यह मेरी तैयारी की रस्म है। कैरियर की शुरुआत में मुझे हर चीज को दिमाग से साफ करने में 20 शायद 30 मिनट की कड़ी कोशिश करनी पड़ती थी, ताकि मेरे दिमाग में सिर्फ वही सो रहे जो मैं करने वाला था। धीरे धीरे मैंने सीख लिया कि
अपने दिमाग में इसे कदमों में कैसे करना है। फिर मैं इसकी गति बढ़ाने में समर्थ हो गया। अब मैं इसे लगभग 30 सेकंड में कर सकता हूँ। और उंगलियां चटकाना, मैंने पूछा। वह एक तरह से बिजली का स्विच चालू और बंद करने जैसा है। पहली बार चटकाने से मेरे दिमाग की सफाई प्रेरित होती है और अब यह कार्य लगभग तुरंत हो जाता है। दूसरी बार चटकाने से स्लाइड्स की एक त्वरित श्रृंखला शुरू हो जाती है, जिसमें मैं इस प्रकार की तस्वीरें देखता हूँ कि मैं चलकर दर्शकों की तालियों के बीच जा रहा हूँ। शो के दौरान दर्शक हंस रहे हैं, अतिथि के साथ सुखद इंटरव्यू हो रहा है और कार्यक्रम का दल, निर्माता तथा मैं इसके अंत में एक और बेहतरीन शो के लिए एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। उन्होंने मुस्कुराकर आगे कहा, देखा, मैंने बरसों पहले आपकी पुस्तक सचमुच पढ़ी थी। शांति भी आगे तक बनी रहती है। इस सबका मददगार पहलू यह है कि मित्रता, प्रेम और शांति भी अति शेष के रूप में आगे बढ़ती है। जैसा हमने कहा है, जब आप पूरी तरह शिथिल, शांत और स्थिर होते हैं तो डर, क्रोध या चिंता को अनुभव अथवा महसूस करना असंभव है। इस तरह से अपने शांत कक्ष में आराम करने जाना भावनाओं और मनोदशाओं के लिए आदर्श सफाई मैकेनिज्म बन जाता है। पुरानी भावनाएं गायब हो जाती हैं। उसी समय आप शांति और कल्याण की एक भावना का अनुभव करते हैं। तुरंत बाद आने वाली गतिविधियों में छलक जाएगी। आपका शांति कक्ष में गुजारा गया समय स्लेट को एक तरह से पोंछ देता है, मशीन साफ कर देता है और आपको एक बिल्कुल कोरा नया पन्ना दे देता है, जिस पर आगामी परिवेश आ सकता है। मैंने शांत समय का अभ्यास सर्जरी के तुरंत पहले और बाद में किया है। सर्जरी में बहुत अधिक एकाग्रता, शांति और नियंत्रण की जरूरत होती है। जल्दबाजी, आक्रामकता या व्यक्तिगत चिंताओं की भावनाओं के साथ ऑपरेशन करने जाना विनाशकारी हो सकता है। इसीलिए मैंने हमेशा जानबूझकर अपने शांति कक्ष में पूरी तरह शिथिल होकर कुछ पल गुजार कर अपनी मानसिक मशीनरी को जानबूझकर साफ किया। दूसरी ओर एकाग्रता उद्देश्य और आसपास के माहौल को भूलना, जो ऑपरेशन के लिए बहुत आवश्यक है, किसी सामाजिक स्थिति में बहुत अनुचित होगा। चाहे यह सामाजिक स्थिति मेरे ऑफिस में होने वाली बातचीत हो या कोई सार्वजनिक समारोह। इसीलिए सर्जरी के बाद भी मैं अपने शांति कक्ष में कुछ मिनट गुजारना नहीं भूलता, ताकि नए किस्म के कार्य के लिए स्लेट साफ कर ली जाए। सैन फ्रांसिस्को की सर्जन डॉक्टर ईरा सारलिप बताती हैं कि वे शुरुआती चीरे से लेकर अंतिम टांके लगाने तक की मानसिक फिल्म चलाती हैं। हाथ और जोड़ों का पुनर्निर्माण करने वाले शल्य चिकित्सक डॉक्टर बोडेल का हमने साइकोसाइबरनेटिक संबंधी वीडियो प्रोग्राम के लिए इंटरव्यू लिया था। उन्होंने हमें बताया कि वे ऑपरेशन से पहले वाली शाम को ही एक स्पष्ट विस्तृत मानसिक फिल्म बना लेते हैं, ताकि आदर्श ऑपरेशन उनके दिमाग में स्थापित
हो जाए और प्रदर्शन कंठस्थ हो जाए। ऐसा लगता है कि ऑपरेशन कक्ष में शांति के अवशेष को उत्पन्न करने के लिए हम सभी लगभग समान नीतियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्वयं अपनी मानसिक छतरियां बनाएं। इस अध्याय में दी गई तकनीकों का अभ्यास करके आप अपनी खुद की मानसिक छतरियां बना सकते हैं, जो विचलित करने वाली उत्तेजना को पर्दा लगाकर बाहर रखेंगी, अधिक मानसिक शांति प्रदान करेंगी और आपको बेहतर प्रदर्शन करने में समर्थ बनाएंगी। अपनी मानसिक तनावनाशक दवाएं तैयार करें, जिन्हें बिना साइड इफेक्ट्स या खर्च के इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे बढ़कर यह ध्यान में रखें और इसे अपने दिमाग में अच्छी तरह बैठा लें कि चाहे आप विचलित हों या शांत, डरे हुए हों या केंद्रित, यह बाहरी उत्तेजना का मामला नहीं है। चाहे यह जो भी हो, इसके बजाय आपकी प्रतिक्रिया ही कुंजी है। आपकी अपनी प्रतिक्रिया ही आपको डरा हुआ, चिंतित और सुरक्षित महसूस कराती है। अगर आप जरा भी प्रतिक्रिया नहीं करते हैं बल्कि फोन को बजने रहने देते हैं, तो आपके लिए विचलित महसूस करना असंभव है, चाहे आपके आसपास जो भी हो रहा हो। आप प्रतिक्रियाशील नहीं बल्कि अभिनय करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरी पुस्तक में हमने परिवेश के घटकों पर उचित प्रतिक्रिया करने के बारे में बात की है। हालांकि इंसान बुनियादी तौर पर प्रतिक्रियाशील नहीं बल्कि अभिनेता होता है। परिवेश के चाहे जो भी घटक मौजूद हों, हमें सिर्फ प्रतिक्रिया ही नहीं करनी है। हमें बिना कप्तान वाले उस जहाज की तरह नहीं बनना है जो हवा के रुख की दिशा में ही चला जाता है, चाहे दिशा कोई भी हो। लक्ष्य आकांक्षी इंसान के रूप में हमें पहले क्रिया करनी होती है। हम अपना लक्ष्य तय करते हैं, अपनी दिशा तय करते हैं, फिर इस लक्ष्य खोजी तंत्र के संदर्भ के भीतर हम उचित प्रतिक्रिया करते हैं। उचित का अर्थ है उस तरह से जो हमारी प्रगति को आगे बढ़ाए और हमारे उद्देश्यों को पूरा करे। यदि नकारात्मक फीडबैक पर प्रतिक्रिया करना हमें अपने लक्ष्य की राह पर या अपने उद्देश्यों को पूरा करने के मार्ग पर आगे नहीं ले जाता है, तो फिर प्रतिक्रिया करने की कोई जरूरत ही नहीं है। और अगर किसी तरह की प्रतिक्रिया हमें राह में भटका देती है या हमारे खिलाफ कार्य करती है, तो शून्य प्रतिक्रिया ही उचित प्रतिक्रिया है। आपका भावनात्मक स्टेबिलाइजर। लगभग किसी भी लक्ष्य आकांक्षी स्थिति में अपनी आंतरिक स्थिरता को कायम रखना ही अपने आप में महत्वपूर्ण लक्ष्य है। हमें नकारात्मक फीडबैक डेटा के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, जो हमें बताता है कि हम कब दिशा से भटक गए हैं, ताकि हम दिशा बदल सकें और आगे बढ़ सकें। लेकिन साथ ही हमें अपने जहाज को तैरता हुआ और स्थिर रखना होगा। हमारे जहाज को लहरों में हिचकोले नहीं खाने चाहिए और वह डूबना नहीं चाहिए, चाहे लहरें कितनी ही ऊंची हों या तूफान कितना ही गंभीर हो। जैसा प्रेस्कॉट लेकी ने कहा था, परिवेश के परिवर्तनों के बावजूद यही नजरिया कायम रखना चाहिए। फोन की घंटी बजने देना एक मानसिक नजरिया है जो हमारी स्थिरता को कायम रखता है। यह हमें परिवेश की हर लहर से हिचकोले खाने, दिशा से भटकने या हिलने से रोकता है।
भूसे के आदमियों, कल्पना से लड़ना छोड़ें। एक और प्रकार की अनुचित प्रतिक्रिया है जो चिंता, असुरक्षा और तनाव उत्पन्न करती है। यह है किसी ऐसी चीज पर भावनात्मक प्रतिक्रिया करने की बुरी आदत जो हमारी कल्पना के अलावा कहीं भी मौजूद नहीं होती। हम में से कई लोग वास्तविक परिवेश की छुटपुट उत्तेजना पर अति प्रतिक्रिया करने से ही संतुष्ट नहीं होते हैं। हम अपनी कल्पनाओं में भूसे के आदमी बना लेते हैं और अपनी बनाई हुई मानसिक तस्वीरों पर भावनात्मक प्रतिक्रिया करते हैं। परिवेश में सचमुच मौजूद नकारात्मक चीजों के अलावा हम स्वयं की नकारात्मक चीजें बना लेते हैं। या वह हो सकता है, क्या हो अगर यह या वह हो जाए, यानी ये हो जाए या वो हो जाए। जब हम चिंता करते हैं तो हम नकारात्मक मानसिक तस्वीरें बना लेते हैं कि परिवेश में क्या बुरा हो सकता है या क्या अच्छा नहीं हो सकता। फिर हम इन नकारात्मक तस्वीरों पर उसी तरह प्रतिक्रिया करते हैं मानो वे वर्तमान में वास्तविकता हो। याद रखें, आपका तंत्रिका तंत्र किसी सच्चे अनुभव और कल्पना के सजीव चित्र में फर्क नहीं पहचान सकता। किसी अवास्तविक समस्या पर कुछ ना करना ही उचित प्रतिक्रिया है। एक बार फिर आप इस तरह के विचलन के खिलाफ खुद को तनाव रहित बना सकते हैं, कुछ करके नहीं बल्कि कुछ ना करके। आप प्रतिक्रिया करने से इनकार कर देते हैं। जहां तक आपकी भावनाओं का संबंध है, चिंता की तस्वीरों पर उचित प्रतिक्रिया उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज करना है। भावनात्मक रूप से वर्तमान पल में जिएं, अपने परिवेश का विश्लेषण करें, अपने परिवेश में सचमुच मौजूद चीजों के बारे में अधिक जागरूक बनें और उन पर सहज स्वाभाविक तरीके से प्रतिक्रिया करें। यह करने के लिए आपको अपना पूरा ध्यान उस पर देना होगा जो अभी हो रहा है। आपको अपनी निगाहें गेंद पर रखनी होगी, फिर आपकी प्रतिक्रिया उचित होगी और आपके पास काल्पनिक परिवेश पर प्रतिक्रिया करने या उस पर गौर करने का समय ही नहीं रहेगा। आपकी फर्स्ट एड किट, इन विचारों को किसी फर्स्ट एड किट की तरह अपने साथ रखें। आंतरिक विचलन शांति के विपरीत होता है। यह लगभग हमेशा अति प्रतिक्रिया, अति संवेदनशील अलार्म प्रतिक्रिया की वजह से उत्पन्न होता है। जब आप प्रतिक्रिया ना करने का अभ्यास करते हैं और फोन की घंटी बजने देते हैं तो आप एक अंदरूनी तनाव रहित दवा बना लेते हैं या अपने तथा विचलित करने वाली उत्तेजना के बीच में एक मानसिक पर्दा लगा देते हैं। अति प्रतिक्रिया की पुरानी आदतों का इलाज करने के लिए जब आप आदतन स्वचालित और अनसोची प्रतिक्रिया में विलंब करते हैं तो आप पुरानी आदतन प्रतिक्रियाओं को खत्म कर देते हैं। शिथिलीकरण प्रकृति प्रदत्त तनाव नाशक है। शिथिलीकरण शून्य प्रतिक्रिया की स्थिति है। दैनिक अभ्यास द्वारा शारीरिक शिथिलीकरण सीखें। फिर जब आपको दैनिक गतिविधियों में शून्य प्रतिक्रिया का अभ्यास करने की जरूरत हो तो वही करें जो आप स्थिर होते समय करते। अपने मन के शांति कक्ष का इस्तेमाल दैनिक तनाव नाशक के रूप में करें। इसका इस्तेमाल तंत्रिकाओं की प्रतिक्रिया को कम करने और अतिशेष भावनाओं के अपने भावनात्मक मैकेनिज्म को साफ करने के लिए करें जो किसी नई स्थिति में अनुचित होंगी। अपनी मानसिक तस्वीरों से खुद को
बुरी तरह डराना छोड़ दें। भूसे के आदमियों से लड़ना छोड़ दें। भावनात्मक दृष्टि से केवल उसी पर प्रतिक्रिया करें जो वर्तमान में इस पल मौजूद है और बाकी को नजरअंदाज कर दें। मानसिक प्रशिक्षण अभ्यास। अपनी कल्पना में अपनी एक स्पष्ट मानसिक तस्वीर बनाएं, जिसमें आप शांति से अवचलित बैठे हुए हैं और अपने फोन की घंटी बजने दे रहे हैं, जैसा इस अध्याय में पहले बताया गया है। फिर अपनी दैनिक गतिविधियों में इस मानसिक तस्वीर को याद करके उसी शांत अविचलित नजरिए को अपनी दैनिक गतिविधियों में जारी रहने दें। जब भी मन में डर या तनाव की घंटी का आदेश मानने या उस पर प्रतिक्रिया करने का लालच आए तो खुद से कहें, मैं फोन की घंटी को बजने दे रहा हूं। इसके बाद विभिन्न प्रकार की स्थितियों में शून्य प्रतिक्रिया का अभ्यास करने के लिए अपनी कल्पना का इस्तेमाल करें। जब कोई सहकर्मी चिल्ला रहा हो और परेशान हो रहा हो तो खुद को शांत और अवचलित बैठा देखें। खुद को एक एक करके अपने दैनिक कार्य निपटाते देखें। शांति से बिना जल्दबाजी के व्यस्त दिन के दबाव के बावजूद अपने परिवेश की जल्दबाजी और दबाव की कई घंटियों के बावजूद खुद को उसी सतत स्थिर दिशा में चलते देखें। खुद को विविध स्थितियों में देखें जिनमें आप अतीत में विचलित हो जाते थे, लेकिन अब आप अटल शांत स्थिर प्रतिक्रिया शून्य रहते हैं। ओके दोस्तों, इसी के साथ अध्याय 12वां समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे इस बुक के नेक्स्ट एपिसोड अध्याय 13वें में, जिसमें हम सीखेंगे कि संकट को सृजनात्मक अवसर में कैसे बदलें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे होगा यह कि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी और यह बिल्कुल फ्री होता है। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें दोस्तों में अगर जानकारी अच्छी लगे तो। धन्यवाद।